शहर के गर्रा जाकपुर घाट गोंगलई नवेगांव बाईपास रोड चौड़ीकरण के लिए डेंजर रोड पर शुरू हुआ 442 पेड़ों की कटाई का कार्य। श्रमिक कार्ड नहीं बनाए जाने पर कुसमी निवासियों का फूटा गुस्सा, जनपद पंचायत का किया घेराव, जल समस्या का निराकरण नहीं होने पर दी चक्का जाम और उग्र आंदोलन की चेतावनी। जनपद पंचायत सीईओ गायत्री कुमार सारथी ने कुसमी निवासियों की परेशानी को देखते हुए जांच के दिए आदेश, लेट लतीफी और कार्य में की गई लापरवाही पर जल्द ही कार्रवाई का दिया आश्वासन। मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा 21 नवंबर को एक बार फिर सीएम राइज स्कूल की जारी की गई सूची। इस बार स्कूल की सूची से फिर गायब हुआ लालबरा का नाम। लालबरा का नाम गायब होने से अभिभावकों में आक्रोश, चक्का जाम की दी चेतावनी। मलाजखंड कॉपर प्रोजेक्ट के निजीकरण के विरोध में सामने आए विभिन्न संगठन, जाहिर किया विरोध, जन सुनवाई नहीं होने पर दिसंबर माह में बड़े आंदोलन की दी चेतावनी। लांजी तहसील के टेडवा में आमने सामने की टक्कर में दो मोटरसाइकिल आपस में टकराई। घटना में बालाघाट चिखला निवासी वन रक्षक उमा शंकर गुजर कर उम्र 45 वर्ष की हुई मौत। शहर के वार्ड नंबर 13 साई मंदिर के पास किराए के मकान में रहने वाली 26 वर्षीय महिला ने मकान मालिक पर लगाया छेड़छाड़ का आरोप। पुलिस ने आरोपी मकान मालिक दीनदयाल लिल्लारे पर दर्ज किया मामला। लालबरा के कंजई मोहगांव के बीच गिट्टी से भरे डंपर की टक्कर से 5 बकरियों की हुई मौत। घटना के बाद डंपर चालक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। दहेज में 10 लाख रुपए की मांग के लिए एक नवविवाहिता को किया जा रहा था परेशान। नवविवाहिता की शिकायत पर लिंगा निवासी ससुराल पक्ष के लोगों पर दर्ज हुआ मामला। आजादी के 75 वर्ष बीत जाने के बाद भी जिला मुख्यालय से 25 किलोमीटर दूर स्थित वनांचल क्षेत्र के मोहनपुर, कुलपा, कावेली, माटे, पालागोंदी, कसंगी सहित एक दर्जन से अधिक गांव में नहीं है मोबाइल का नेटवर्क। मोबाइल नेटवर्क कनेक्टिविटी नहीं होने से नहीं चलता इंटरनेट। शिक्षक छात्रों और हर सरकारी काम के लिए होना पड़ता है सभी को परेशान। नहीं मिल पा रहा है कई योजना का स्थानीय जनों को लाभ। जिला मुख्यालय से लगे हुए भटेरा गांव में 55 वर्षीय सुदामा मोहारे को मार्शल ने मारी ठोकर, बेहोशी की हालत में जिला अस्पताल में किया गया भर्ती। घर के आंगन में मवेशी बांधने के लिए लगाए जाने वाले खूर गाड़ने को लेकर देवर भाभी में हुआ विवाद। देवर ने भाभी की जमकर की पिटाई। घटना में 30 वर्षीय महिला श्रद्धा बनोटे निवासी रामपाली डोंगरमाली हुई घायल, जिला अस्पताल में चल रहा इलाज। भरवेली के कटिंग टोला में सगाई की बारात से भरी मार्शल को पिकअप चालक ने मारी ठोकर, घटना में 5 लोग हुए घायल। भरवेली से अट्टा थाना के अंतर्गत खोड़ सिवनी जा रहे थे सभी लोग। पेट में दर्द के बाद जिला अस्पताल में भर्ती कराए गए युवक की हुई मौत। ग्रामीण थाना के अंतर्गत नवेगांव कटंगी निवासी 22 वर्षीय परशुराम राउत के मौत के मामले में पुलिस ने शुरू की जांच। रविवार को वारासुनी शहर के वार्ड नंबर 6 रेलवे स्टेशन फॉरेस्ट नर्सरी के पास मिले अज्ञात शव की हुई पहचान। वारासुनी के नया टोला बड़गांव निवासी अंचल पिता घनश्याम पाजेसर उम्र 23 वर्ष के रूप में परिजनों ने की शिनाख्त। परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। पुलिस ने शुरू की परिजनों की निशानदेही पर जांच। परसवाड़ा थाना के अंतर्गत परसवाड़ा शहर के वार्ड नंबर 16 शेरपार में सुने मकान में अज्ञात चोरों ने 1 लाख रुपए की चोरी कर ली। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने शुरू की जांच। वारासिवनी के कायदी में आयोजित हुआ ऑल इंडिया वॉलीबॉल टूर्नामेंट, पुरुष वर्ग में पुणे और महिला वर्ग में पंजाब ने जीते खिताबी मुकाबले।
मध्य प्रदेश शासन ने कमलनाथ सरकार के दौरान करवाए गए पंचायतों के परिसमन के आदेश को किया रद्द। जिले में परिसमन के बाद हुई थी 722 पंचायतें, परिसमन के आदेश रद्द करने के बाद पूर्व की तरह जिले में रहेगी 689 पंचायत। मध्य प्रदेश शासन के द्वारा जारी किए गए इस नोटिफिकेशन में इस बात का नहीं किया गया है उल्लेख, आगामी दिनों में परिसमन पुनः करवाया जाएगा या नहीं इस पर संशय की स्थिति।